उत्पत्ति अध्याय 9। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए जाएंगे। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लोहू समेत तुम न खाना, और निश्चय मैं तुम्हारा लोहू अर्थात प्राण का पलटा लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लोहू बहाएगा उसका लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के उसमें भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेल पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ भी मेरा यह वचन है, मेरी यह वाचा बनती है, और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूंगा कि सब प्राणी फिर जलप्रलय से नाश न होंगे और पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जलप्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं, उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष देख पड़ेगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है उनको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूंगा जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। नूह के जो पुत्र जहाज में से निकले वे शेम, हाम और एपेत थे, और हाम तो कनान का पिता हुआ। नूह के तीन पुत्र यही है और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। और नूह किसानी करने लगा और उसके दाख की बाली लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेद दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढाप दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उससे क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधु के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास होए। परमेश्वर एपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास होए। जलप्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और
नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया।